जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो वनडे सीरीज हुई थी तो उसमें 3-0 से हारने के बाद बीसीसीआई अब ये 3 बड़े फैसले ले सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार क्या ये फैसले होंगे बड़े बड़े जो कि बीसीसीआई ले सकती है और पूरे भारत देश को चौंका सकती है। और वही हम आपको यहाँ पर बताएं कि जो नंबर एक वाला फैसला होगा वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। तो ऐसे में आप सभी बने रहिएगा और इस खबर को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी बताने वाले हैं। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि अभ्यास मैच भारत जीते या फिर हारे, लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले से इस खिलाड़ी का बाहर होना लगभग हो चुका है तय। तो ऐसे में जानेंगे कि आखिरकार पहले टेस्ट मुकाबले से कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा उसके बारे में भी। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि इंतजार हुआ खत्म, महेंद्र सिंह धोनी वापसी को तैयार, 29 फरवरी को जुड़ेंगे अपनी टीम के साथ, देख सकते हैं मैच। तो इसमें दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या ये अपडेट निकल कर आ रही है। तो पूरी जानकारियां आप लोग जरूर जानिएगा और इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीते तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपके ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी हाल ही में खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। अगर आपको याद होगा तो इस सीरीज में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की टीम ने काफी बुरी तरीके से हराया था। और वहीं हम आपको बताते चलें कि इससे पहले 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी जिसमें भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बुरी तरीके से हराया था और भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज में 5-0 की शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन वनडे सीरीज में इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद भारतीय टीम की काफी आलोचनाएं हो रही थी और बीसीसीआई से लोग जवाब मांग रहे थे कि आखिरकार भारतीय टीम की इतनी बुरी हार का कारण क्या है। और वैसे भी आपको तो पता ही होगा कि जो भारतीय टीम ने वनडे सीरीज हारी थी 3-0 से वो भारतीय टीम के इतिहास में पहली बार 31 साल बाद ऐसा हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पुराना और शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ा था भारतीय टीम ने। तो ऐसे में इसी शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई वनडे क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन को सुधारने के लिए टीम में काफी कुछ बड़े बड़े बदलाव कर सकती है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है जहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में बीसीसीआई को इस हार को देखते हुए काफी कुछ बड़े बदलाव टीम में पहले ही करने होंगे, क्योंकि अगर भारतीय टीम को इस T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करना है तो ऐसे में आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन से 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं भारतीय टीम में जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। और हम आपको बता दें कि ये बदलाव भारतीय टीम में किए भी जा सकते हैं और नहीं भी, लेकिन आप जरूर इन्हें जानेगा और अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना इन सभी कारणों को सुनने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है जो कि भारतीय टीम के लिए लिया जा सकता है वो ये होगा कि महेंद्र सिंह धोनी के टीम से बाहर होने के बाद भारत को कोई भी स्थायी फिनिशर बल्लेबाज नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में यह भूमिका निभाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो अभी वनडे सीरीज खेली जाने वाली है तो उसमें हो सकता है कि बीसीसीआई सालों बाद सुरेश रैना की वापसी करवाए। दरअसल खबर ये निकल कर आ रही है कि सुरेश रैना की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वापसी हो सकती है, क्योंकि उनके जो आंकड़े देखे जाए तो उसमें वो सबसे अव्वल निकल कर आते हैं। तो ऐसे में तीसरा बड़ा फैसला भारतीय टीम के लिए बीसीसीआई ये ले सकती है। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे नंबर का फैसला क्या लिया जा सकता है भारतीय टीम के लिए। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा की जगह पर केएल राहुल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंप सकती है। दरअसल आपको ये जो फैसला है वो नंबर एक वाला फैसला जानकर समझ में आएगा। तो आइए चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार नंबर एक वाला फैसला क्या है। दरअसल आपने जैसे कि नोटिस किया होगा कि कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन वनडे और T20 क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना ज्यादा खास नहीं रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले और जो अब दौरे खेले जाने वाले हैं भारतीय टीम के, उससे पहले ही विराट कोहली की जगह पर एक बार रोहित शर्मा को वनडे और T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी टीम को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे पाता है। तो ऐसे में बीसीसीआई ऐसा कुछ कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर ऐसा होता है तो रोहित शर्मा की कप्तानी के बाद केएल राहुल को उपकप्तान भारतीय टीम का घोषित किया जा सकता है। तो ये 3 बड़े फैसले होंगे जो कि भारतीय टीम के लिए बीसीसीआई ले सकती है। लेकिन आपका क्या विचार है कि इनमें से कौन सा फैसला सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अभ्यास मैच भारत जीते या फिर हारे, लेकिन पहले टेस्ट से इस खिलाड़ी का बाहर होना हो गया है लगभग तय। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत की टीम फिलहाल न्यूजीलैंड के दौरे पर है जहां पर टीम इंडिया को 21 फरवरी से न्यूजीलैंड के विरुद्ध 2 मैचों की सीरीज में हिस्सा लेना है। तो इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड 11 के बीच में
तीन दिन का अभ्यास मैच खेला जा रहा है और इस मुकाबले में भारतीय टीम कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 273 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और इसमें हनुमा बिहारी का शतक और चेतेश्वर पुजारा का 93 रनों की पारी शामिल थी। और वहीं हनुमा बिहारी ने 182 गेंदों में 101 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और चेतेश्वर पुजारा ने 211 गेंदों में 93 रन बनाए थे। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की पहली पारी 10 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाकर ही सिमट गई। और इसी तरीके से पहली पारी में भारतीय टीम ने अभी 28 रन की बढ़त बना ली और भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों ने काफी शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। तो ऐसे में दोस्तों अब हम आपको बता दें कि हो सकता है कि इस मैच की पहली पारी में ऋषभ पंत जो कि कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो ऐसे में कप्तान विराट कोहली भारतीय टीम से उन्हें बाहर रख सकते हैं। मतलब साफ साफ है कि ऋषभ पंत को विराट कोहली बाहर रखेंगे और रिद्धिमान साह को एक बार भारतीय टीम में मौका दिया जाएगा। तो आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, क्या ऋषभ पंत को बाहर करना सही रहेगा या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि इंतजार हुआ खत्म, महेंद्र सिंह धोनी करेंगे वापसी, 29 फरवरी को जुड़ेंगे अपनी टीम के साथ। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही जल्दी बल्ला थामे मैदान पर नजर आने वाले हैं। दरअसल टीम इंडिया से बाहर चल रहे धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग से पहले तैयारी के लिए चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़ने का फैसला लिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 29 फरवरी को चेन्नई पहुंचेंगे और 1 मार्च से टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे। तो वहीं नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक धोनी इसी महीने की 29 तारीख को चेन्नई पहुंचेंगे और यहां वो चेन्नई सुपर किंग की टीम के साथ प्रैक्टिस कैंप में हिस्सा लेंगे और आईपीएल 2020 की तैयारी के लिए धोनी ने यह फैसला लिया है। तो मतलब साफ सीधी बात है कि 29 फरवरी को आप सभी को महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। तो आप लोग कितना एक्साइटेड है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताए कि भारत की टीम इस समय न्यूजीलैंड के दौरे पर है जहां पर भारतीय टीम ने अभी T20 और वनडे सीरीज खेली है, जहां पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में 5-0 से हराया था। तो वहीं वनडे सीरीज में भारतीय टीम को 3-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में अब टीम इंडिया को 21 फरवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेस्ट सीरीज को खेलने से पहले भारत और न्यूजीलैंड 11 की टीम के बीच में अभ्यास मैच खेले जाते हैं। तो ऐसे में अब भारत और न्यूजीलैंड 11 की टीमों के बीच में 3 दिन के अभ्यास मैच का आयोजन हो रहा है और इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लिया। तो आइए चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि पहले दिन का क्या हाल रहा था इस अभ्यास मैच में। दरअसल पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही थी। शुरुआत में पृथ्वी शॉ मात्र 4 गेंदे खेलकर आउट हो गए थे। तो वहीं मयंक अग्रवाल 1 रन बनाकर आउट हुए और वहीं सुमन गिल ने 0 रन बनाए थे, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा और हनुमा बिहारी ने इस पारी को संभाला और चेतेश्वर पुजारा ने 93 रनों की बेहतरीन और शानदार पारी खेली और हनुमा बिहारी ने 182 गेंदों में 101 रनों का योगदान दिया। बाकी भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि भारतीय टीम इस अभ्यास मैच को भी जीतेगी या फिर हारी जाएगी। तो अब दूसरे दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बड़ा धमाल दिखाया। जी दोस्तों, पहले दिन की पहली पारी में भारतीय टीम ने अपने 10 विकेट खोकर 263 रन बनाए थे, जो कि कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए न्यूजीलैंड 11 की टीम को इस लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं दिया। जी हां, भारतीय टीम के गेंदबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड 11 की टीम ने कुल मिलाकर 74.2 ओवर खेले, जिसमें उन्होंने 235 रन बनाए और वो उसी पर पूरी ऑल आउट हो गई। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने यहां पर 10 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने मात्र 17 रन दिए, जो कि बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है, और 3 विकेट हासिल किए। तो वहीं जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव और नवदीप सैनी को 2-2 विकेट मिले और इसी तरह भारतीय टीम को पहली पारी में 28 रनों की बढ़त हासिल हुई। और तो वहीं अब हम आपको बताएं कि भारतीय टीम की तरफ से अब दूसरी पारी में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने बड़ा ही कमाल करके दिखाया। जी हां दोस्तों, उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ पारी खेली ना, उनकी पारी देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो अभ्यास टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो जैसे कि आप यहां पे स्कोर कार्ड में देख पा रहे होंगे कि भारत की दूसरी पारी में ओपनिंग के लिए मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी और इन दोनों ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहले ही विकेट के लिए 7 ओवर में 59 रन बना डाले। जी हां, जिसमें पृथ्वी शॉ ने 25 गेंदों में 35 रन बनाए और जहां पर उनकी पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। तो वहीं मयंक अग्रवाल ने 17 गेंदों पर 24 रन बना डाले और इस दौरान 4 चौके और 1 छक्का उन्होंने जड़ा। तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है, क्या दूसरी पारी में भारतीय टीम के ये ओपनर बल्लेबाज काफी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? आप बड़ी खबर निकल कर आ रही थी वो ये थी कि आईपीएल 2020 के बाद लेंगे क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ये भारतीय खिलाड़ी। जी हां, भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रहे हरभजन सिंह अब अपने संन्यास के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि भज्जी आईपीएल 2020 के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर देंगे और साल 2000 में उम्मीद है कि आपको दिखाएगी ये जानकारी, जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर
जरूर दबाना जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।